खबर बदरवास से, जहां बदरवास तहसील के ग्राम बामौर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष में एससीएसटी आयोग के मेंबर राज्य मंत्री प्रदीप अहिरवार ने किया बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण। प्रदीप अहिरवार राज्य मंत्री एससीएसटी आयोग के मेंबर में बदरवास से ग्राम बामौर में पहुंचकर सबसे पहले मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयकारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ग्रामीणों ने राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह बदरवास, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, पूर्व पार्षद राजेंद्र ग्वाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव, बामौर अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष देवी सिंह गोरिया सहित सभी ग्रामीण और अम्बेडकर समिति के सभी सदस्य और युवा नेता दर्शन पैरों की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन किया गया। कामना देता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए करके गए, इस दुनिया के लिए करके गए, उनके संघर्षों से, उनके दिए हुए संदेशों से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। आज मंचा सिंह इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी, भूपेंद्र यादव जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित राजकुमार यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, देवी सिंह जी, दर्शन कैरो जी, पप्पू राम जी, अर्जुन इकलौतिया जी, संतोष भाई और तमाम हमारे छोटे बड़े साथी, तमाम मंचा सिंह साथी, हमारी बहनें, से हमारे आए हुए अतिथियों को भी सुनना है बाबा साहब के बारे में। उनके बताए हुए मार्ग हम सब लोग आजकल बखूबी जानते हैं। हमारी जनरेशन है, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे पढ़ लिख करते हैं, लेकिन मैं उसमें एक बात कहना चाहूँगा, हम कम से कम हमारे बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम उसको अपने बच्चों को उच्च शिक्षा अगर नहीं देंगे। कामना देता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए करके गए, इस दुनिया के लिए करके गए, उनके संघर्षों से, उनके दिए हुए संदेशों से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। आज मंचा सिंह इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी, भूपेंद्र यादव जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित राजकुमार यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, देवी सिंह जी, दर्शन कैरो जी, पप्पू राम जी, अर्जुन इकलौतिया जी, संतोष भाई और तमाम हमारे छोटे बड़े साथी, तमाम मंचा सिंह साथी, हमारी बहनें, हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर समाज के लिए उन्होंने एक ऐसा काम कर गए जिसके आज विधि के निर्माता कहे या जो उन्होंने जो बनाया है कानून जिसमें आज हम लोग उस पर चल रहे हैं, क्योंकि उसी से ही पूरा भारत का एक हर व्यक्ति उस पर। मैं तो बस यही कहूंगा कि शिक्षा अगर नहीं होती तो बाबा साहब इस जगह तक नहीं पहुंचते। आज उस समय पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के आधार पर ही उन्होंने हमारा संविधान लिखा। तो मैं भोले भाई की बात को फिर से दोहराऊंगा कि बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाए, शिक्षित बनाए, उनको कहीं ना कहीं इस रूप में स्थापित करें कि जो बाबा साहब ने ऊंचाइयों को छुआ आज हमारे बच्चे भी छू सकते हैं। बस हमको पढ़ाई और शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। बात बाकी तो जो कुछ हो रहा है सब ठीक है, बिना शिक्षा के आप शिक्षक होकर के चाहे राजनीति करें, व्यापार करें, खेती करें, जो भी करें, लेकिन शिक्षित होना अति जरूरी है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि सही और गलत क्या है। आज आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसमें इस जयंती में हमको शामिल होने का मौका मिला, उसके लिए सभी इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, पिछले दिनों महाशिवरात्रि के दिन खरगोन में एक महिला को मंदिर नहीं चढ़ने दी, सर क्या मामला था पूरा और आपके संज्ञान में क्या है अभी तक? देखिए, आज सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले, आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको आज याद कर रहा है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश को बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि महिला को, युवा एक लड़की थी जो महाशिवरात्रि पर मंदिर में पूजा करना चाहती थी तो उनको यहाँ पूजा करने से रोक दिया था। जब मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने SP से बोलकर जो भी आरोपी था उसको अंदर करवाया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मेरा उस मामले को लेकर यही कहना है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक अनुसूचित जाति की बेटी को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया जाता है, ये आज देश की विडंबना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को सोचने की जरूरत है कि वाकई में हम लोग आज़ाद हुए। राजगढ़ के अंदर
आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि युवा दलित को जो शादी करने जा रहा था उसको घोड़े पे चढ़ने से रोक दिया गया, और जो खाना बना था बारातियों के लिए वो पूरा खाना फेंक दिया गया और टेंट उखाड़ दिया गया। इस तरीके की घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, तो एहसास होता है कि आज भी इस सरकार में, आज इस प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं।